television history mein pehli baar aayi hai the leading lady of Bollywood, the original diva, Sharmila Tagore. Ye chand ka roshan chehra, zulfon ka rang sunehra, ye jheel si neeli aankhein, koi raaz hai inme gehra. Tareef karun kya uski jisne tumhe banaya. Ye chand sa roshan chehra, zulfon ka rang sunehra, ye jheel si neeli aankhein, koi raaz hai inme gehra. Tareef karun kya uski jisne tumhe banaya. Oh my god, zordar taaliyan basti rahe is universe ki sabse beautiful woman. Sharmila Tagore, ladies and gentlemen. Whoa! A historic moment for Indian Idol. Thank you. The original diva from Satyajit Ray to Gulzar to Rishikesh Mukherjee to Dharmendra, sabki pehli pasand, 24 karat gold se bhi, actress pure, two-time national award winner, Padma Bhushan, Sharmila Tagore. Thank you. Thank you. Ma'am, thank you so much Indian Idol पे आने के लिए. आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? मैं क्या बोलूँ? घर पे बैठ के एक टीवी स्क्रीन में Indian Idol देखने का जो मजा है, मगर यहाँ के आप सबके साथ ये जो हम लोग कर रहे हैं ना अभी जो किया, it's super exciting and these wonderful judges. मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ judges नहीं हैं, you know you're like a guru, like a mentor. Wow. Or contestants. Oh. I mean, I'm jaisa aap log kehte ho na ki talent ho to aisa. Oh. Bilkul sahi hai. Wow, so sweet. Sharmila ji yahan par aayi hui hai, ek gana ho jaye. Are you ready? Yes. Ready, Asha. Yes. So let's do it. Oh. Come on everybody, are you ready? Yeah. Oh, aasman aaya farishta pyar ka sabak sikhlane dil mein hai tasveer yaar ki aaya hu wo dikhlane kaho pyar hai tumse cha 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 na kaho pyar hai tumse cha 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 na kaho pyar hai tumse cha 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 na kaho pyar hai tumse cha 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 चांद सा रोशन चेहरा जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी नीली आंखें कोई राज है इनमें गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने इंडिया आपके कीमती वोट्स आ चुके हैं. जजेस बचे हुए कंटेस्टेंट्स को स्कोर्स देंगे और आज शो खत्म होने से पहले फाइनली हम आपको देंगे टॉप 14. तो बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को पूरी दुनिया को दिखाने के वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग विनीत सिंह. मेरे
ये रांझा के बातें, ये मजनू के कैसे, अलग तो नहीं है मेरी दास्तां से। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहाँ से। निगाहों निगाहों में जादू चलाना, मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ। शर्मिला मैम, कैसा लगा आपको? Enjoyed it very much. आपकी आवाज में जो एक रूहानियत है, कानों में गूंजती है इनकी आवाज, मुझे बहुत अच्छा लगा. छलकाए जाम, अभी वो शूटिंग उस वक्त मैं डबल शिफ्ट कर रही थी, लास्ट डे, और वो गाना कंप्लीट नहीं हो सका और मुझे जाना था कोलकाता, बिकॉज देयर वाज अ टेस्ट मैच, West Indies versus India, and it was also Tiger's birthday. तो फिर मैंने जाके धर्म जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ प्लीज़ आप एक्सटेंड करके कैसे भी हम गाना ख़त्म कर देंगे. एंड ही वॉज सच अ स्पोर्ट कि हम सुबह 5 बजे तक शूटिंग की एंड वी फिनिश द सॉन्ग. गाड़ी में मेकअप उतार के फिर प्लेन पकड़ के कोलकाता पहुंची. सो स्वीट. मगर कितनी बुरी तरह से हारे हम वहां पे. और किसने सोचा था कि इतनी आइकॉनिक फिल्म और गानों के शूट इस प्रकार हुए हैं. बहुत मजा आ रहा है मैम.
जजेस विनीत की परफॉर्मेंस पे स्कोर्स दे दीजिए प्लीज. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को. परफेक्ट गर्ल विदिप्ता चक्रवर्ती. जाने क्या बात है, जाने क्या बात है, नींद नहीं आती बड़ी लंबी. हाय विदिप्ता. हेलो भैया. कैसा लग रहा है आज शर्मिला मैम के सामने आप उनके ही गाने परफॉर्म करने वाली हैं? ऐसे हमको लग रहा है कि जैसे कोई सुंदरता की मूर्ति बैठी हमारे सामने. सच्ची में ट्रूली एकदम. मतलब आपकी हर चीज ही आइकॉनिक है, जैसे कि आपकी आई मेकअप बोलो, फिर आपका हेयर स्टाइल, आपका साड़ी पहनने का जो तरीका है. एक बार मैम का वो आइकॉनिक लुक मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ. जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी. देखिए ये चांद सा रोशन चेहरा जुल्फो. ओह माय गॉड. ओह माय गॉड. इतना खूबसूरत कोई कैसे हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता. दिस इज नॉट नॉर्मल. ओह माय गॉड. हमने सुबह से ये ट्राई करने की कोशिश की बट हमसे हो ही नहीं पा रहा था. तो आप कैसे लगा लेती हैं मैम? तो आई हैव टू डेमोंस्ट्रेट इट आपको. फिर आप मुझे कोसेंगे जी भाई. माय मेकअप वाज सो गुड, आपने सब स्पॉइल कर दिया. क्या मैम आप मेकअप लगाएंगी विदिप्ता पे? जाओ जाओ भाई जाओ. sure, जाओ जाओ. I can try. Oh my God. Wow. फिर बाद में मुझे डांटना मत. नहीं बिल्कुल नहीं. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टाइम यू कम होम देन आई विल सी. वाओ. For any woman, this would be a dream. मतलब मैम ने अपने हाथों से वो iconic, you know, eye makeup किया. You're so lucky. एकदम एकदम. चलिए अब एक प्यारा सा गाना सुना दीजिए. All the best.
Very good. बहुत अच्छा गाया आपने, really. Thank you, ma'am. मन खुश हो गया. Thank you so much. Thank you. मैं देख रहा था मैम, आप इतना enjoy कर रही थी जब विदिप्ता गा रही थी. You were really enjoying yourself. Yes, I did. यहाँ इस वक्त मैं इतने enjoy कर रही हूँ. वैसे ही after श्रोतु जित्रा आए, Rishida gave me all the good films. Anupama, Satyakam, फिर चुपके चुपके. और ये गाने में ओम प्रकाश जी, then धर्म, and it was the whole scene was so funny. And Rishida के साथ शूटिंग करने में इतना मज़ा आता था क्योंकि वो तो चेस खेलते थे और बहुत डर्टी डर्टी जोक्स सुनाते थे, बहुत ही डर्टी, जो यहाँ नहीं बोला जा सकता है. तो इट वॉज लाइक लॉट ऑफ फन वर्किंग विद हिम. क्या बात, इट वॉज वंडरफुल. थैंक यू. वैसे मैम, मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच में भी एक ओम प्रकाश जी हैं. ओम प्रकाश जी की जब भी बात होगी तो विनीत की बात जरूर होगी. तो क्या आप ओम प्रकाश जी को एक बार लाइव देखना चाहती हैं, दोबारा उनकी मेमोरी को ताजा करना चाहती हैं? प्लीज प्लीज विनीत. मैम, ओम जी आपको क्या बुलाते थे? ओम जी मुझे रिंकू बुलाते थे, क्योंकि रिंकू मेरा नाम है ना, तो सेट पे सब रिंकू बोलते थे. तो ओम जी रिंकू से जरा बात कीजिए ना. सारे सारे गागा सारे मामा गारे सा, जय हो भगवान की कृपा है प्रभु की. अब बेटा रिंकू, अब पिंक साड़ी में इतनी सुंदर लग रही हो कि पूरा माहौल ही पॉजिटिव हो गया है. जय हो भगवान की कृपा है प्रभु की. अरे वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. जिस तरह से गाने परफॉर्म करते थे ना मैम, उसका Absolute. जो अंदाज था बहुत ही अलग था. एंड जो एक्सप्रेशंस देते थे मैम, मतलब कत्ल करते लोगों का. मतलब मैम का क्लोजअप भी इतना ब्यूटीफुल टच हो, इतना कमाल का होता था. तो हम सब ने टीवी पर देखा है ना, लाइव तो हमने देखा ही नहीं. हम भी तो लाइव देखना चाहेंगे. ये बात तो एकदम सही कही नहीं हुआ आपने. ये कि एक कुछ प्लानिंग हो रहा है, ये सब प्लान करके. व्हाट इज दिस? आपके सजन सावन she was so good. I was looking at her and I couldn't really. You're wonderful. All your performances were very, very good. And I believe she's a very good girl, right? Yeah. Yes. She does is. Helps her mother. She cooks, which I can't. And ghar ki safai, vagara, vagara. And aap log sab manenge ki is industry mein talent bahut zaruri hai. Magar uske saath saath behavior. स्वभाव जो होता है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड आई वॉज 17 व्हेन आई वर्क्ड इन कश्मीर की कली, पहली फिल्म. तो वो एक कॉमन है. एंड आई थिंक बिहेवियर टेक्स यू बियॉन्ड टैलेंट, तो वो याद रखना. एक बार शर्मिला मैम के लिए जोरदार तालियां हो जाए मैम. थैंक यू सो मच. क्या बात है, मजा आ रहा है, क्या एपिसोड हो रहा है. शर्मिला जी थैंक यू सो मच मैम, अलग ही एनर्जी है. हाय.
हाय सोनाक्षी. हेलो भैया, कैसी हैं? भैया एक्चुअली मैं पहले शर्मिला मैम से थोड़ा बात करना चाहती हूँ. हाँ जी जरूर, प्लीज. मैम नमस्कार, आमी बांगाली तो आज के तुम्हारे देखे हमार खूब 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 भल लगे. आमारो तुम्हारे संगे आलाप करे खूब भलो लगे. थैंक यू मैम. मैम आमी तुम्हें काकीमा बोले डाकते पारी? हाँ क्या, काकीमा, मासीमा, दीदी, दीदीमा, व्हाटएवर यू वांट. थैंक यू सो मच एखाने आसार जोन्नो. आर आजके आमी तोमार दुटो तोमार फिल्मेर गान गाइछी, दुटो आमार भीषण फेवरेट. तो आमी चेष्टा करबो तोमार सामने भालो करे गावार. निश्चयई. आमाके बुझते पारी ना, आमाके हिंदी बोलते पारी. आमी बुझते पारी ना, आमी बुझते पारी ना. अगर हम लोग हिंदी बोल सकते हैं बंगाल से आके, क्यों आप क्यों नहीं बंगाली सीख सकते? सीखो, बोलो बंगाली. एक टू चेष्टा करछी. ठीक था क्या? सुना शिखर जोरदार था. Thank you.
पाउंडिंग आया यार, तुमने क्या टच किए तुमने कॉर्ड्स यार, ओ माय दिल के कॉर्ड्स। थैंक यू सर, माइंड ब्लोइंग। शर्मिला जी, क्या लेगेसी है आपकी, आपके गानों की, आपके परफॉर्मेंसेस की, ओ माय गॉड आगले लग जा, व्हाट अ फिल्म है, माइंड ब्लोइंग। एंड आरडी बर्मन जी, हिस्टोरिक, अनबीटेबल, क्या गाया है तुमने सोनाक्षी, फैंटास्टिक। थैंक यू मैम, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, यू वर वेरी गुड। आई मीन लुक एट लता जी का सॉन्ग एंड देन द वर्ड्स वर सो ब्यूटीफुल, इट वॉज वेरी गुड। आपने जो कहा इनके बारे में पहले, ये आलसी हैं। जी मैम। ये आलसी कैसे हो सकती है? नहीं है, नहीं हो सकती है, तो हाउ कैन शी सिंग सो वेल, इट इज नॉट पॉसिबल। अभी माँ का बात, माँ इज ऑलवेज राइट, तो আপনার সঙ্গে আমার কোনো ঝগড়া নেই, আপনার সঙ্গে কোনো কন্ট্রাডিকশন নেই, আপনি একদম ঠিক। কিন্তু মেরে খেয়াল সে নো, কভি কভি হম কুছ নেই করতে, এসে বেঠে রহতে, তো ইসকা মতলব নেই কি হম কুছ নেই কর রহে, হম সোচ রহে হ্যায়, আর হামারে অন্দর জো এক ক্রিয়েটিভ এনার্জি হ্যায় না, ও আপনে ফোকাস থোড়া সা বদলতে হ্যায় ইয়া স্টেডি করতে হ্যায়, উসকো ঠিক করতে হ্যায়, তো আই থিংক ইউ আর লাইক দ্যাট। Don't you agree? You're not Alsi. Uh-huh. I don't believe it. Thank you. Thank you. Yes, I think you'll be very good. आगे चल के। सुनाक्षी, बहुत ही अच्छा गाया है आपने। Judges, सुनाक्षी की performance पर scores दे दीजिए please। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारी सुनाक्षी के लिए। आदि भैया, आज हमारे साथ शर्मिला मैम हैं, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है, लाइक वो एक लेजेंड है और उनका हर गाना, हर मूवी आइकॉनिक रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़े प्रेशर की बात है। और मैं जो गाने गाने वाली हूँ, दोनों लता जी के भी गाने हैं, तो और भी ज़्यादा नर्वसनेस प्रेशर है। तो मैंने एक लंबी सांस ली, अपने आप पर पूरा भरोसा किया और मुझे विश्वास है मैं ये परफॉर्मेंस बहुत यादगार बनाऊँगी। बिल्कुल सही किया आपने, अपने आप पर भरोसा रखो और शुरू हो जाओ।
Divya, very, very, very beautiful. Very beautiful. In fact, आप जब गा रही थी तो मैम थोड़ी emotional लग रहे थे. Because I know that Kavya's पिताजी एक बहुत famous, मशहूर singer हैं. मगर वो यहाँ तक अपने बल पर यहाँ तक पहुँची है, which I think is just fantastic. Fantastic. Huh? And you मौसम में जो आपने पहले गाना जो गाया वो मौसम का गाना था, उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला. सो गुलजार साहब का लिरिक्स थे उसमें. सो यू सैंग इट ब्यूटिफुली, परफेक्टली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने गजल गाया है, आपने स्विंग गाया, आपने ये दोनों गाने गाए. जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है आपकी, एंड जेन्यूनली आई फील दिस अबाउट यू वेरी स्ट्रांगली, कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हो, नॉट जस्ट अ सिंगर. आप एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हो जो कि हर जॉनर को समझती है, जो कि वर्सिटिलिटी को अपना कॉलिंग कार्ड बना रही है. आप सब कुछ कर सकती हो. 360 एक दृष्टि है आपकी, जो एक कलाकार को होना बहुत बहुत जरूरी है. एंड आई रियली फाइंड दैट वेरी एडमिरेबल. थैंक यू सो मच. ग्रेट जॉब. तो चलिए बुलाते हैं अगली कंटेस्टेंट को, जिनकी वजह से फेमस हो गई मम्मी जी और उनकी सारी द नारी इन सारी सेन गुप्ता संचारी. माइंड ऑफ ब्लोइंग. गो रहे हैं भंवर खिल रही है चल कली. गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कल कली. हाय संचारी. हेलो. कैसी हैं? अच्छे हैं. आज बहुत खुश नजर आ रही है. मतलब मैं तो मतलब उनके बहुत ही बड़ी भक्त हूँ. मतलब फैन बोलना बहुत छोटा हो जाएगा. मम्मी भी इतनी बड़ी फैन है. तो वैसे इधर शो में मैं जो साड़ी पहनती हूँ वो साड़ी मम्मी ही अपने हाथों से पेंट करती है. तो वेरी गुड, वेरी नाइस. जब मैं मम्मी को पता चला कि आप आने वाले हो तो तब मम्मी सोच रही थी कि क्या बनाए उनके लिए. तो ये मम्मी बनाई. किशोर डिजाइन खूब सुंदर, हमें खूब भालो लगे. কত সময় লাগলো এই শাড়িটা করতে? তিন দিন. ও, তিন দিন মে ইনহোনে ইয়ে শাড়ি বানায়া. দিস ইজ দ্যাট টেরিফিক. ম্যাম, মে মতলব আপকি ইতনি জাদা ফ্যান হু. মতলব ক্যা বাতাও. অর আপ ইতনি এলিগেন্ট হ্যায়, ইতনি সুন্দর হ্যায়. থ্যাংক ইউ সো মাচ. মে জো বানাই হু সারে, মতলব উসমে ও ফিকা পড় গয়া. মতলব আপকো জব মেনে দেখা না, আপ জব অন্দর আই তো আপকো দেখকে লাগ রাহা থা কি কোই দেবী আ রহি হ্যায়. थैंक यू, थैंक यू. यहाँ से जब मैं जाऊँगी तो रात भर तो मुझे आई थिंक कल मुझे थोड़ा सा ऐसा लगेगा जो ज़मीन पे उतरना पड़ेगा, क्योंकि आई एम लाइक फ्लाइंग हाई नाउ. ज़रूरत yes. नहीं है, परियाँ परियाँ आसमान में ही रहती हैं. और मम्मी का और मेरा दोनों का ही मतलब बहुत मन है कि ये आपके पोर्ट्रेट के ऊपर आपका एक ऑटोग्राफ लेना था. हाँ, जरूर. अब ये सारी अनमोल हो गई है. एक बार जोरदार तालियां हो जाए संचारी के लिए. चोर निकलता है कहाँ
चोर 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 शहरों की गलियों में जब अंधेरा होता है रात के बाद एक चोर निकलता है काली सी सड़क पे जिया आजादी है चोर 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 शहरों की गलियों में जब बहुत अच्छा लगा तो अंधेरा होता है यू सैंग सो वेल एक मिस्ट्री और एक थ्रिलर एंड एवरीथिंग इन दैट इट वाज वेरी सेडक्टिव वेरी गुड आई लव्ड इट थैंक यू सो मच जहां तक आपकी सिंगिंग की बात है जेन्युइनली आपने उसमें अपनी रेंज डायनामिक्स कंट्रोल हर चीज को बाकायदा आपने डिस्प्ले किया है कि आप कितनी टैलेंटेड सिंगर हैं कंग्रेचुलेशंस आपने इस गाने को चूज किया और बहुत अच्छा गाया ग्रेट जॉब थैंक यू सर और मैम यहाँ आपके इंडियन आइडल के मंच पे आना आपको पता नहीं कि हाउ बिग दिस इज फॉर अस विदाउट अ डाउट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स आपके गाने इतने अच्छे आप इतना कुछ दे के जा रही हैं यहाँ पे यू हैव डन सो मच विद दिस शो थैंक यू बट इट इज दोनों तरफ से आई एम ऑल्सो बीन वेरी एनर्जाइज मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच मैम इट्स एन ऑनर फॉर अस थैंक यू संचारी जजेस संचारी की परफॉर्मेंस पर स्कोर्स दे दीजिए संचारी थैंक यू वेल डन आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं आदाब अम्मा आज यहाँ मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप हम सभी के लिए स्पेशली अपने बच्चों के लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है आपको ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए आपके हमेशा इतना काम करने के बावजूद हमें कभी भी घर पे आपकी कमी महसूस नहीं हुई आपने हमेशा घर एंड वर्क का इतना बैलेंस बना कर रखा है यू ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू अस एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर स्पेशली वर्किंग वुमेन आपने हमेशा सारे स्टेरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं एंड यू कंटिन्यू टू कीप वर्किंग इवन आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन एंड गिविंग द बिगेस्ट हिट्स ऑफ योर करियर लाइक आराधना अमर प्रेम चुपके चुपके एंड सो मेनी मेनी मोर यू हैव टॉट अस टू रिस्पेक्ट वर्किंग वुमेन तभी तो मैं आज घर पर बैठकर तैमूर का ख्याल रख रहा हूँ एंड करीना लंदन में अपनी फिल्म शूट कर रही है अम्मा के बारे में जितना कहूँ उतना कम रहेगा
जब हम अम्मा के साथ रहते हैं तो देर आर टू वर्ड्स दैट कम टू माई माइंड ऑलवेज इज लव एंड सॉलिडैरिटी. शी इज समवन हु इज सो करेक्ट, समवन हु इज ऑलवेज सॉलिड इन एवरी फॉर्म, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ, विद तैमूर एंड जे, सारा एंड इब्राहिम, आई थिंक विद एवरीबडी. शी इज ट्रूली लाइक द ग्राउंडिंग फैक्टर ऑफ दिस फैमिली एंड वी आर ऑल वेरी लकी टू यू नो बी अंडर हर अम्ब्रेला. I love you a lot. I respect you a lot, and I hope you have a fantastic show. आदाब अम्मा, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि जब आप मुंबई आते हैं तो आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे वो मौका मिलता है आपके साथ बॉन्ड करने का. हमारा रिश्ता तो बहुत ही करीब और गहरा है. आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल योर चिल्ड्रन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अभी भी अपने पैशंस को फॉलो करती हैं और आपको लोग कितना प्यार और इज्जत देते हैं. And अभी भी आप फिल्मों में काम कर रही हैं. So it's really wonderful to see you doing so many things that you enjoy. And I hope that I can take a couple of pages from your book. See you soon, Amma. Have fun. आदाब अम्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि you have brought us up very well, माशाल्लाह. बहुत प्यार से पाला है, डिसिप्लिन भी दिया है. You are great and माशाल्लाह, I look up to you. आप कितने ग्रेस और डिग्निटी से पेश आती हैं. आई एडमायर दैट अबाउट यू एंड आई थिंक आई गेट दैट अलॉट फ्रॉम यू. आपने घर कैसे संभाला मैंने आपसे ही सीखा. कीप स्टेइंग द वे यू आर. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मदर एंड ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस. आई लव यू अ लॉट. हैव अ ग्रेट टाइम एट द शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुश्किल घड़ी आ गई है यार. कंटेस्टेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट. और आप 15 के 15 इस वक्त देश के फेवरेट सिंगर्स बन चुके हैं. इतना प्यार आपको मिल रहा है. एक बार हमारे टॉप 15 के लिए जोरदार तालियां हो जाए. और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. तो इस हफ्ते के जो जजेस स्कोर्स हैं वो मेरे हाथ में आ चुके हैं. जजेस के स्कोर्स के मुताबिक जो आज बॉटम थ्री नाम है वो है चिराग, दूसरा नाम है शगुन और तीसरा और आखिरी नाम है देवोस्मिता. आप तीनों में से सबसे कम वोट्स जिसे आए हैं वो नाम है शगुन पाठक. एक बार शगुन के लिए तालियां हो जाए. शगुन बहुत अच्छा गाया है आपने, बहुत एंटरटेन किया. शगुन टॉप 15 इंडियन आइडल सीजन 13 के तुम वो ब्यूटीफुल सिंगर हो जिसके बारे में विश्व भर में चर्चा हो रही है. वो कोई छोटी बात नहीं है और ये सफर अब तुम्हारे लिए यहाँ से खत्म नहीं होता, शुरू हो रहा है. बिल्कुल. देवस्मिता, चिराग, आप दोनों सेफ हैं. आप टॉप 14 का हिस्सा बन चुके हैं. कांग्रेचुलेशंस. प्लीज आप अपनी जगह ले सकते हैं. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.